Hey everyone, so it's day 3 in Goa and अभी हम अपनी property पे ही हैं. तो इस बार property दिन में देख लो कितना अच्छा लग रहा है. So this is the property where we are staying and ये रही हमारी स्कूटी. तो this is our स्कूटी जो हमने ब्रेंट करी थी कल. अंधेरा था तो अच्छे से दिखा नहीं पाया था. And this is a like area बहुत अच्छा सा ही बना हुआ है मतलब. And lights वगैरह ऑन हो जाती हैं रात को, बहुत अच्छा लगता है. Hi Priya. Hello. Need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं मैंड्रम के पास. यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है मैंड्रम बीच. और यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी कैश विड्रॉ करने के लिए रुके क्योंकि हमारे पास कैश थोड़ा खत्म सा हो गया. तो कैश तो चलिए गाइस निकलते हैं आगे के लिए. कैश विड्रॉ हो गया, ये बैठ गई हमारी सवारी. So guys, finally we have reached to Arambol and this is the place. So guys, हम पहुंच गए आरंबोल और आरंबोल में भी थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हम कपड़े नहीं लाए हैं वापस आके पहनने के लिए. थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखते हैं. मुझे वैसे ये शर्ट बड़ी पसंद आ रही है. सो गाइज, दिस इज आरंबोल बीच. और जैसे कि हमने कल देखा था कि बागा वाला क्या सीन था और यहाँ का क्या सीन है. पानी बहुत साफ है, स्काईलाइन बहुत नजदीक दिख रही है. और मतलब पार्टी सीन्स तो यहाँ भी होते होंगे. हाँ, पार्टी सीन्स तो यहाँ भी रहते होंगे मगर यहाँ का म्यूजिक जो है थोड़ा सा म्यूजिक का टेस्ट डिफरेंट लग रहा है. आई थिंक यहाँ पे फॉरेनर ज्यादा रहते होंगे. भाई रेत इज टोटली वार्म, हॉट है एकदम यार, चल रहा है पैर. आई थिंक यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है कुछ. दिस इज समथिंग डिफरेंट यार, ये बीच का सीन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे. मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है बीच बहुत ऊपर ऊपर नहीं लग रहा है. हाँ, हम ऊपर हैं आई थिंक. हम ऊपर हैं फिर वो नीचे है फिर वो ऊपर है, ऐसे ऐसे दिख रहा है वो. वाओ, दिस बीच इज अमेजिंग. पानी का कलर ना दिख रहा है. प्रिया ने अभी ज्वेलरी परचेज की है एंड कितनी अच्छी लग रही है. और बाकी ये थोड़ा सा अदर साइड है तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था एंड वहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं. डॉग्स भी हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे, कुत्ते क्यूट है. प्रिया कैसा लगा आरंबोल बीच एज कम्पेयर टू अगर बागा बोले कैलंगूट तो फिर भी सही था बट बागा के कंपैरिजन कैसा लगा आपको? बागा में बहुत क्राउड है, बहुत नॉइजी था. बेसिकली इंडियन क्राउड है और म्यूजिक बड़ा अजीब है, बहुत लाउड म्यूजिक है. ये थोड़ा सा फैंसी सा शांत सा लग रहा. नहीं शांत सा, वाटर फ्लो देखना एकदम ऐसे हाई.
क्रॉस करके उस साइड पे है। तो पहले मार्केट है, छोटा सा बता हुआ, ये कैफे है, ये पुल बना हुआ है यहाँ पे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मैंडरिन बीच। ये थोड़ा सा सही काम कर रखा है इन्होंने कि यहाँ पे इन्होंने ये मैट लगा रखा है। इस मैट से फ़ायदा ये होता है कि ये ना चलने में गर्म नहीं लगता और आप रेत के अंदर घुसते नहीं हो। एंड ये भी अच्छा बीच है, ये भी अच्छा लग रहा है बीच देखने में। बीच ऑलमोस्ट सारे ही सेम है, बस ये कि कहीं पर शांति है, कहीं पर क्राउड ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो डिपेंड्स। तो बेसिकली वी थॉट कि आरंबोल से निकलते टाइम जितने भी बीचेज होंगे वी विल कवर देम। अभी बस वही है कि ये मैंडरिन है, थोड़ा हमें भूख भी लग रही है, तो वी विल हैव सम फूड ओवर हियर और इसके बाद फिर नेक्स्ट बीच की तरफ चलेंगे। तो अब तक तो सो फार बहुत अमेजिंग ट्रिप चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। बाय बाय मैंडरिन बीच। एंड ये आ गया हमारा ब्रिज, इसे हम क्रॉस करेंगे, उस साइड जाएंगे, स्कूटी उठाएंगे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर निकलेंगे। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. किधर जाना है भाई? चलते रहो, लेफ्ट जाने का है अपन को। गाइस अभी हम जा रहे हैं वैगाटोर की तरफ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं वैगाटोर बीच। एंड जैसे कि सुना है कि वैगाटोर बीच अच्छा है, दिखने में भी अच्छा ही लग रहा है। लेट्स गो एंड हैव अ लास्ट व्यू ऑफ दिस इवनिंग, है ना? थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। आरंबोल बीच है, जो आरंबोल बीच इज बेटर देन दिस, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुंदर है वो, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा वो, बेटर था। या फिर ये थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट इट्स गुड यार, ऐसा भी कोई बुरा नहीं लग रहा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ वैगाटोर बीच पे हम इतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और हमें आरंबोल बीच ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो थोड़ा खुला था, वहाँ पे क्राउड कम था और इससे बड़ा ना सिटिंग एरिया भी अच्छा था। ठीक है गाइस, हम पहुँच चुके हैं अंजुना बीच। एंड अंजुना बीच इज़ वेरी नाइस। अभी तक तो जो क्योंकि एंट्री ही मार्केट से हुई, देन यहाँ पे ये चर्च है छोटा सा, देन दिस इज द वे टू बीच। तो अभी हमें पता चला कि कर्लीज जो है बेसिकली कर्लीज का क्या था कि कर्लीज वीक में एक ही बार ओपन होता है, वहाँ पे थोड़ी रेव पार्टीज होती हैं। आई डोंट नो कि किस टाइप का होता है, बट वो नहीं देखा और वो कह रहे हैं कि वो मिस ही हो गया आपको क्योंकि वो वीक में सिर्फ एक ही बार हो पाता है। तो अभी हम अंजुना ही करेंगे और अंजुना के बाद फिर हम निकलेंगे अपने होटल के लिए और वहाँ से रेडी होके हम ट्राई करेंगे क्या है। वाओ दिस इज अमेजिंग यार, पानी की वजह लाइट आ रही है ना, वो अमेजिंग लग रही है। देखो क्या हो रहा है, कितनी ऊपर ऊपर पानी है भाई, वो एकदम से आ रहा है यहाँ तक, है ना? ये ऐसे ऐसे करके है, ऐसे अच्छा ये लग रहा है ना कि पानी के ऊपर लाइट ही पड़ रही है। देखो वो देखो वो देखो, इतना क्यों तुझको, तो फिर चले क्यों, जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में, चमकू जैसे जुनी हो। रा 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 पा 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 ओस्तमा यहाँ पे जा रहा हूँ, गड़ नहीं पा रहा पानी। Yeah.
तो गाइस जैसे भी बताया भैया ने कि 10 दिन के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया है सारा गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पानी का फ्लो है ये पूरा का पूरा ऊपर तक आ जाएगा, तो ये तो यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मतलब ये जो वॉल दिख रही है आपको यहाँ तक पहुँच जाएगा पूरा पानी। तो ये तो बंद हो जाने वाला है, मतलब ना ये 10 दिन का ही रह गया और 10 दिन के बाद इतना रेनफॉल हो जाएगा कि तो गाइस बस ये बचेगा 10 दिन के बाद वो सारे जो नीचे वाले हैं वो सारे हट जाएंगे। ये आप दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार जो है सामने ये इस यही वाला एरिया बचेगा। अभी लाइट्स खत्म हो चुकी है तो आई थिंक शूट करने होगा। सो गाइस क्लोजिंग अंजुना बीच आपकी आज का क्लोज करते हैं, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, आज कल लोग यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने होटल के लिए जो कि आपने देखा होगा कैलंगुट में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं और कल का देखते हैं। डे 3 इज ओवर, बाय बाय।